नमस्कार, डायलॉग हेल्प पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप पीठ दर्द और कमर दर्द से परेशान हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। कमर दर्द और पीठ दर्द के संपूर्ण निदान और इलाज के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के अनुभवी पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, स्पाइन एंड पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। आइए जानते हैं कि ऊपरी पीठ के दर्द के क्या क्या कारण होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम या मसल स्पाज्म। इस बीमारी में शरीर के किसी भी हिस्से में, स्पेशली छाती या कमर के ऊपरी हिस्से में मांसपेशियों में ऐंठन होती है, जिसके दबाने से वहां पे दर्द पैदा होता है। इन मांसपेशियों की ऐंठन को ट्रिगर पॉइंट या मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट भी कहते हैं। इनके जो कारण होते हैं वो होते हैं लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना या खड़े रहना, या गलत पोजीशन में या गलत पोजीशन में बैठे रहना। पीठ दर्द का अगला कारण होता है थोरेसिक फैसेट जॉइंट पेन। हमारी जो कमर की हड्डियां होती हैं, जिनको गुटका भी कहते हैं, उन हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं जिनसे एक हड्डी दूसरी हड्डी से आपस में जुड़ती है। इन जॉइंट्स में कभी किसी कारण से चोट लग जाए या किसी कारण से सूजन आ जाए तो उसको हम फैसेट जॉइंट पेन सिंड्रोम कहते हैं। थोरेसिक फैसेट जॉइंट पेन के जो कारण होते हैं उसमें आता है चोट, जो किसी भी कारणवश लग सकती है, या आप किसी भारी काम को करते वक्त अगर आपके कंधे या ऊपरी कमर में झटका लग जाए तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें लक्षण की। इसमें ये देखने को मिलता है कि जब भी व्यक्ति आगे झुकता है या कुछ काम करता है तो कमर में उसको चरपराहट की आवाज़ आती है और कुछ क्रैकलिंग साउंड सी आती है। थोरेसिक फैसेट जॉइंट पेन में मांसपेशियों में अकड़न भी आ जाती है और उस वजह से व्यक्ति उठ बैठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता। पीठ दर्द के अगले कारण के बारे में बात करते हैं, जिसे हम वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे कि हमने जानते हैं कि हमारी कमर की हड्डियाँ जो होती है, अगर वो किसी कारणवश चोटिल हो जाए, जैसे कि अगर वृद्धावस्था में, जैसे बढ़ती उम्र है, उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, या अगर आप कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए आपका, आप कहीं गिर जाएं, तो उसकी वजह से जो हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है, चोटिल हो जाती है, उसी को कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो व्यक्ति को इतना तेज़ दर्द होता है कि व्यक्ति से ना बैठा जाता है ना खड़ा हुआ जाता है। जो भी दवाई देते हैं वो इसमें ज़्यादा असर नहीं कर पाती है और व्यक्ति को अपना बिस्तर नहीं छोड़ पाता है। इसके अलावा कई बार दर्द इतना तेज़ हो जाता है कि व्यक्ति के हाथ में दर्द भी आना चालू हो जाता है या कमर से पैर में दर्द भी आना चालू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कमर दर्द के अगले कारण की, जिसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल न्यूरालजिया। ये सिर्फ कमर का दर्द नहीं है, इसमें आपकी ऊपरी पीठ से लेके आपके छाती तक दर्द जाता है। यह दर्द जलन की तरह या सुन्नपन की तरह या करंट की तरह या झटके की तरह लगता है और ये पीछे से चालू होके आगे की तरफ आता है। इसका जो कारण होता है वो ये होता है कि आपकी जो रिब्स होती है या पसलियाँ होती है उसमें किसी भी तरह से चोट लगना, या तो आपके गिरने से चोट लग गई हो या कोई सर्जरी हो गई हो या हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन हो गया हो या कई और कारण से बेसिकली ये दर्द चालू होता है। अगर हम इसके लक्षण की बात किया जाए तो व्यक्ति को करंट की तरह दर्द होता है जो पीछे से चालू होके आगे तक आता है। व्यक्ति उस करवट सो नहीं पाता, छू नहीं पाता, क्योंकि चमड़ी को छूने में उसको करंट सा लगता है, दर्द सा महसूस होता है। कई बार ये दर्द आपकी गर्दन से लेके हाथ तक जाता है और कई बार ये दर्द कमर से चालू होके पैर तक भी जाता है। दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा बैक पेन की समस्या या स्पाइन पेन की समस्या किन लोगों को होती है। तो सबसे पहला कारण है पोस्चर। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से बैठता है
या बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा या बैठा रहता है, गर्दन को गलत तरीके से रखता है, तो उन लोगों को बेसिकली ये दर्द होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा कारण है आपका मोटापा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटे होते हैं तो उनके स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से छल्ले भी खराब होते हैं और नसों पे दबाव भी अत्यधिक पड़ता है। अगला कारण है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं, मांसपेशियों में ताकत कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को चोट जल्दी लगती है। और अगर उम्र जैसे बढ़ती है तो जो हीलिंग की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम होती चली जाती है। अगला कारण है मरीज की मानसिक स्थिति। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अगर स्ट्रेस में, डिप्रेशन में या एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो उसे दर्द ज़्यादा महसूस होता है और वह ज़्यादा दर्द से पीड़ित होते हैं। अगला कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है, व्यायाम नहीं करता है, उन लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला कारण है अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान या शराब का, नशे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या अगर कोई व्यक्ति जिसको कैंसर की बीमारी है, या अगर कोई और जो डायबिटीज़, बीपी, हार्ट डिजीज़, या उन पेशेंट्स में, उन मरीज़ों में कमर की मांसपेशियां और नसें हों वो कमज़ोर होने की वजह से ये बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आपको कमर दर्द से बचना है तो आपको एक मूल मंत्र याद रखना पड़ेगा, स्टैंड स्मार्ट, लिफ्ट स्मार्ट, सिट स्मार्ट। अब इसके बारे में जानते हैं। स्टैंड स्मार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप खड़े हों तो रिलैक्स होकर खड़े हों, ज़्यादा तन के ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है। जब भी खड़े हों दोनों पांवों पे संतुलित वजन रखें, आगे की तरफ झुक के या पीछे की तरफ या टेढ़े होकर बैठना या खड़े होने वाला काम आप ना करें। नेक्स्ट है बैठने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी बैठना है तो कमर को सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा रखें, हाथ और कोहनियों को बिल्कुल सपोर्ट, आर्म रेस्ट पे सपोर्ट रखें, जो पांव हैं उनको भी ज़मीन पे नीचे सपोर्टेड रखें। उसके अलावा अगर आपको सीधा बैठने में दिक्कत होती है तो कमर के पीछे एक पिलो या तकिया लगा सकते हैं, और आपको आधे घंटे से ज़्यादा लंबे टाइम तक एक जगह पे नहीं बैठना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं या डेस्क जॉब करते हैं, आपको लिखने का काम ज़्यादा होता है, तो आप डेस्कटॉप स्लेंट होता है उसका यूज़ करें, जिसमें 30-45 डिग्री का एंगल होता है, जिसकी वजह से आपको गर्दन झुका के काम नहीं करना होता है। आप आराम से गर्दन का नॉर्मल कर्वेचर मेंटेन रखते हुए आप आराम से काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स की। आप जब कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप को यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से आपको बैठ के यूज़ करना चाहिए। जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको आँखों का जो ऊपरी लेवल है वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की ऊपरी जो लेवल है उसके लेवल पर होना चाहिए। उसके अलावा करीबन 45 से 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपकी आंखों और आपके कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में होना चाहिए। जब आप बैठें कंप्यूटर यूज़ करते वक्त तो कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त आपके कंधे रिलैक्स रहने चाहिए, आपकी एल्बो भी सपोर्टेड रहनी चाहिए और आपकी कमर भी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इससे आपकी गर्दन की, कंधों की और हाथों की कलाइयों की प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप काफ़ी हद तक बच के रहेंगे। गाड़ी चलाते वक्त ये सावधानी का ध्यान रखें कि आप जो अपनी सीट की हाइट अपनी गाड़ी के अनुसार और अपनी खुद की हाइट के अनुसार रखें, ताकि आपको गर्दन झुका के सामने ना देखना पड़े, आप सीधा आराम से बैठ सकें। कमर को सपोर्ट करने के लिए आप एक पीछे पिलो का यूज़ कर सकते हैं। और जब आप स्टीयरिंग को पकड़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दूर से ना पकड़ें, उसके थोड़ा सा पास आके पकड़ें, ताकि आपके कंधे रिलैक्स रहें। और जो सीट होती है वो बहुत दूर तक दूर ना रखें स्टीयरिंग से, थोड़ा सा स्टीयरिंग के पास रखें, ताकि आपके हल्का सा घुटना मुड़ा रहे और आप एक कंफर्टेबली गाड़ी का चला सकें। अगर आपको कोई नीचे से सामान उठाना होता है तो आपको सीधा आगे नहीं झुकना है। अगर आपको आगे झुकना है तो आपको हल्का सा घुटनों को फोल्ड करना है, हल्का सा कमर को झुकाना है और फिर आप आराम से वजन को उठा सकते हैं। अपनी क्षमता से अधिक वजन को ना उठाएं। दोस्तों, अब हम जानेंगे बैक पेन या कमर दर्द से बचाव के लिए या कुछ इलाज के लिए कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में। पहला व्यायाम होता है कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस। कैट एंड कैमल एक्सरसाइज में व्यक्ति को घुटनों और हाथों के बल बैठना है। इसमें आपके जो कलाई है वो आपके कंधों के नीचे आनी चाहिए, आपके जो घुटने हैं वो आपके हिप्स के लेवल के नीचे आनी चाहिए।
उसके बाद में आपको लंबी सांस लेते हुए आपको गर्दन को नीचे झुकाना है और कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। आपको 10 सेकंड तक गिनती गिननी है, रोकना है और फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है और पेट को बिल्कुल नीचे की तरफ छोड़ देना है। ये 10-10 रेपिटेशन सुबह शाम करने चाहिए। अगली एक्सरसाइज कसरत है ब्रिज पोज, जिसको हम स्पाइन ब्रिजिंग भी कहते हैं। इस कसरत में व्यक्ति अपनी कमर के बल लेटता है, उसके बाद में दोनों घुटनों को मोड़ता है और तलवों पे जोर देते हुए सांस अंदर खींचते हुए पेट को अंदर खींचते हुए कमर को ऊपर उठाता है। इस पोजीशन को कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रोकना है और उसके बाद में सांस लेते हुए धीरे धीरे करके छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को सुबह और शाम दोनों टाइम 10-10 बार करना चाहिए। अगली कसरत के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल ट्विस्ट एक्सरसाइजेस। जिस इस कसरत में व्यक्ति अपनी कमर के बल लेटता है, घुटनों को 90 डिग्री फोल्ड करता है, उसके बाद में दोनों घुटनों को पहले लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं और जब लेफ्ट साइड में दोनों घुटनों को लेके जाते हैं उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कंधा ऊपर ना उठे। उसके बाद में 10 सेकंड रोकने के बाद में आप वापस से अपने घुटनों को राइट साइड में लेके जाते हैं, वहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि आपके कंधे ना उठे। 10 सेकंड तक रोकने के बाद में आप वापस से सेंटर में ले आते हैं। इस मूवमेंट को 10 बार सुबह 10 बार शाम को करना चाहिए। अगली कसरत है कोबरा पोज। इस कसरत में व्यक्ति अपने पेट के बल लेट जाता है, फिर दोनों हाथ कंधों के सामने रखते हुए अपनी गर्दन अपने कंधे ऊपर की तरफ उठाता है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपरी शरीर है उसको ऊपर की तरफ उठाता है। जब ये उठाते हैं उस टाइम पे लंबी सांस लेते हैं, जब जितना आप कमर को ऊपर उठा सकते उतना उठाना है और उसके बाद में आप लंबी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके वापस आप नीचे आते हैं। इसे भी 10 बार सुबह 10 बार शाम को करना होता है। अगली कसरत है साइड रोटेशंस या साइड बेंडिंग पोज। इस कसरत में आप दोनों हाथ उठाते हैं और दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेते हैं और फिर पूरी बॉडी को आप आपस में इधर लेफ्ट या राइट पूरा बेंड करने की कोशिश करते जितना आपसे हो सकता है। इस कसरत को में हमें 10 सेकंड तक एक तरफ रोकना होता है और फिर उसके बाद वापस से सेंटर में आना होता है। 10 बार सुबह 10 बार शाम को ये कसरत करनी होती है। दोस्तों, अगर किसी मरीज का दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसे एक पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। पेन मेडिसिन स्पेशलिटी है, इसमें जो डॉक्टर है वो आपके दर्द का सही पता लगाते हैं, उसका कारण का पता लगाते हैं और उस अनुसार इलाज का प्लान डिसाइड करके आपका इलाज करते हैं। अब हम बात करते हैं कमर की जांच के बारे में। जैसा कि हम सबने सुना है एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन के बारे में, जब हम कमर का एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में कमर की जो हड्डियां होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनकी बीमारियां हमें पता चलती है। जब हम सीटी स्कैन कराते हैं तो अगर किसी व्यक्ति के हड्डियों में कोई कंप्रेशन हुआ है, कोई स्पेसिफिक चोट लगी है, कोई जॉइंट में चोट लगी है, उसके बारे में पता सीटी से चलता है। एमआरआई जो स्कैन होता है कमर के लिए, उसमें हम कमर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नसें, डिस्क या छल्ला, उनकी जो भी बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। कभी कभी सीटी स्कैन की जांच के साथ में माइलोग्राम जांच भी की जाती है, जिसमें एक डाई की मदद से जो कमर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है और उससे भी काफ़ी कुछ बीमारी के बारे में इशारा मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति के लंबे समय से कमर दर्द की प्रॉब्लम है जो कि दवाइयों से और एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो पा रही है तो उसमें पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट उस दर्द का पता करके जो पेन जनरेटर है या पेन जहां से चालू हो रहा है उसकी जांच करके, उसका पता करके सी आर्म या अल्ट्रासाउंड मशीन की जांच से वहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो किए जाते हैं जिससे व्यक्ति को दर्द में आराम मिल सकते हैं। अब हम एक एक करके इंटरवेंशनल स्पाइन टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। पहली टेक्निक है एपिडुरल इंजेक्शन। हमारी जो कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है जिससे कमर में छल्ला खिसकता है
नस पे दबाव पड़ता है या सूजन आती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कमर में दर्द होता है और पाँव में साइटिका की तरह दर्द होता है, नसों में खिंचाव का दर्द होता है। ऐसे केसेस में जहाँ पे नस दबरी होती है उसी जगह पे एक नीडल को सियाम मशीन से देखते हुए वहाँ पहुँचाते हैं और वहाँ जाके कुछ दवाइयाँ इंजेक्ट की जाती है, जिससे कि नसों के आसपास सूजन कम हो जाती है और नसें खुलना चालू हो जाती है। अगली तकनीक है फैसेट जॉइंट इंजेक्शन, जिसे हम मीडियल ब्रांच ब्लॉक भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस या जॉइंट में किसी कारण से चोट की वजह से कमर के जोड़ों में दर्द होता है, उन केसेस में फ्लोरोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड मशीन की हेल्प से उन जॉइंट तक हम दवाई इंजेक्ट करते हैं। उस दवाई को इंजेक्ट करने से वहाँ पे जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनमें सूजन कम होती है और व्यक्ति को काफ़ी हद तक आराम मिलता है। एक बार व्यक्ति को अगर उन इंजेक्शन से आराम मिल जाता है तो आगे जाके हम उन फैसेट जॉइंट्स के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग आराम मिल जाता है। अब हम बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक में हम जो पेन जनरेटर है, जैसे कि कोई नस है जो किसी कारणवश खराब हो गई है या सूजन की वजह से डैमेज हो गई है और लगातार दर्द पैदा किए जा रही है, हमने उसके लिए दवाइयाँ दी लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही है, उस केस में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स वहाँ पे एक नीडल के थ्रू पहुँचाते हैं, जिससे वो नस शांत हो जाती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन जो टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया उन केसेस में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। उसके अलावा स्पाइन में जो फैसेट जॉइंट्स होते हैं या कमर के जॉइंटों का जो पेन होता है उसमें बहुत प्रभावी है। अगर किसी व्यक्ति का साइटिका सब तरह के ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो साइटिका के ट्रीटमेंट में भी रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। अगली तकनीक है वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी। वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी में हम बोन सीमेंट, हम अगर कोई व्यक्ति के हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है और उस व्यक्ति का अगर फ्रैक्चर अपने आप ठीक नहीं हो पा रहा है तो उस केस में हम एक स्पेशल नीडल के द्वारा हड्डी के अंदर बोन सीमेंट इंजेक्ट करते हैं, जिससे हड्डी को ताकत मिलती है और जो नसें दर्द पैदा कर रही होती है वो शांत हो जाती है। इससे व्यक्ति तुरंत खड़ा होकर वापस से चलना चालू कर देता है। दोस्तों, पेन मेडिसिन स्पेशलिटी में एक और मशीन होती है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर अल्ट्रासाउंड मशीन। इस मशीन के ज़रिए हम शरीर के विभिन्न हिस्सों की जांच करते हैं और दर्द के कारण का पता करते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई व्यक्ति के मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम इस मशीन के ज़रिए उस जगह पे दवाई अच्छी तरीके से इंजेक्शन के द्वारा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि जितने मैंने स्पाइन इंटरवेंशन टेक्निक्स की बात की थी, ये सारे के सारे प्रोसीजर में किसी भी तरह का कोई चीरा या टांका नहीं होता, किसी भी तरह की सर्जरी नहीं होती। ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ चमड़ी को सुन्न करके ही हो जाते हैं, किसी भी तरह का जनरल एनेस्थीसिया या पूरी तरह बेहोश नहीं करना पड़ता। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे प्रोसीजर डे केयर प्रोसीजर्स हैं, मतलब व्यक्ति का आधा एक घंटे में प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और पेशेंट एक घंटे बाद में घर वापस जा सकता है। दर्द ठीक करने के लिए स्पाइन के इंटरवेंशन जो टेक्निक्स होती हैं उसके अलावा पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपको जो है दवाइयाँ देते हैं। उसके अलावा स्पाइन में जो बायोमैकेनिकल अलाइनमेंट प्रॉब्लम होती है उसके लिए स्पेसिफिक कर्षत या व्यायाम बताए जाते हैं, स्पाइनल मैनिपुलेशन किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे टाइम से दर्द है, साथ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसके लिए मेडिसिंस और काउंसलिंग भी की जाती है। इसके अलावा योगा मेडिटेशन की हेल्प भी ली जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे आप काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, स्पाइन एंड पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जयपुर में कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, जिन्होंने हमें कमर दर्द, पीठ दर्द के कारणों और इलाज के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू
dadup.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।